पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल मुल्तान या जाली डॉक्टर की फैक्ट्री। निश्तर अस्पताल से एक और जाली डॉक्टर गिरफ्तार। एक माह के दौरान अब तक 7 जाली डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुतवस्त तबके से वजीर आला ढूंढ कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुल्तान आमद पर वजीर आला की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब सूबा महाज पर काम जारी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई में बन जाएगा। सेक्रेटेरिएट के लिए मुशावरत जारी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि ट्रेनी सीएम हम सब जो हैं अपना आगाज हमेशा किसी जॉब से होता है। जबकि वो बंदा चीफ मिनिस्टर बनता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, काउंसलर बनता है, तो वो पहली बार बनता है। असल बात यह है कि उसकी कमिटमेंट क्या है, उसका पैशन क्या है, वो कितना सीखने के लिए तैयार है, कितना सुनने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीनों में उस्मान बुज़दार साहब जो हैं मुझसे भी मशवरा करते हैं, अपने मिनिस्टर से भी मशवरा करते हैं और खुश असलूबी से अपने जो हैं पंजाब के इंतजाम को चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो एक मुतवस्त दर्जे की फैमिली से किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पार्टी के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। मुशीर वजीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी, जिलाई सदर तहरीक इंसाफ एजाज जंदुआ, एमपीए सलमान नई, नदीम कुरैशी, महेंद्र पाल सिंह समेत दीगर अहम शख्सियात वफूद से शामिल। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा की बजाय इंतजामी यूनिट बनाएगी जो हमें कबूल नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतसाब का अमल बड़े अरसे से जारी है, हम उससे नहीं घबराते। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान खिची की वालिदा और कर्नल राव की वफात पर इशारे ताबीज की। चोलिस्तान जीप रैली सजने में रह गए सिर्फ 3 रोड। धूल उड़ाती पराठे भरती गाड़ियों का फिर से मचेगा शोर। 14वीं चोलिस्तान जीप रैली की इफ्तिताही तकरीर, विनर ट्रॉफी भी नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, दिफा चैंपियन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। रेस के लिहाज से हर साल आपको पता है रेस बढ़ रही है, शायकीन जो देखने वाले चलाने वाले दोनों बढ़ रहे हैं और गाड़ियां इस दफा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनकर आई हैं, ड्राइवर्स भी आए, सख्त मुकाबला। चोलिस्तान जीप रैली मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करा। सिफाई चैंपियन नादिर खान मक्सी की रोही से गुफ्तगू। कहा कि इस बार मुकाबला सख्त होगा। उधर कमिश्नर बहावलपुर नईर इकबाल कहते हैं कि रैली के लिए तमाम तर सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स मुल्क के तूलो अरसे और इवन जो है अब्रॉड से वो पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बावलपुर और उसके गिरदोनवा में कितना जो है जोशो खरोश पाया जा रहा है और फेस्टिविटी का माहौल जो है इस लम्हे से शुरू हो गया है। जमाने की है आसम बाजी है साउथ पंजाब की और पूरे वाला के लिखारी बिहारी के खिलाड़ी राज अपना है पूरे मुल्तान में। PSL 4 का मैदान सजने में 2 रोज बाकी, हर कोई मुल्तान सुल्तान का दीवाना। मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यासान ने क्रिकेट के दीवानों का जोश दीगनी। शहरियों का कहना है कि मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी अच्छे रन रेट से फतह याब होंगे। मुल्तान सुल्तान टीम भाई हमारी फेवरेट टीम है, हमारे बुम अफरीदी भी उसी टीम में है। इंशाल्लाह हमारी उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो टीम जीतेगी। अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे मुल्तान सुल्तान। बच्चों ने उठाई अपनी आवाज तो रोही ने भी दिया बच्चों का साथ। छुट्टी के रोज नन्हे फूलों ने मुल्तान में चिड़ियाघर बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं यहाँ चिड़ियाघर होता तो हाथी और शेर को करीब से देखते, बंदर की शरारतें भी उन्हें खूब अच्छी लगती हैं। संडे का दिन है, यहाँ तो जू ही नहीं है, हम जू देखने कहाँ जाएं।
मुल्तान में कुएं के करीब काम करते हुए मजदूर कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई, मजदूर को कुएं से जिंदा निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महकमा बिल्डिंग एमएलडीआर बहावलपुर में करोड़ों के फ्रॉड पर रोही की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर जोसेफ सईद ने महकमा बिल्डिंग से तीन रोज में तमाम काम और रिलीज की गई रकम की रिपोर्ट तलब कर ली। कमर्शलाइजेशन फीस अदा न करने पर होगी कार्रवाई। बहावलपुर में एंटी करप्शन रहीम यार खान मुतहरक, एक हफ्ते के दौरान 1,94,00,000 कौमी खजाने में जमा करवा दिए गए। मुल्तान में धागे का काम करने वालों के लिए तब्दीली आ गई। बिजली के बाद गैस ने भी मुंह मोड़ लिया। धागे से वाबस्ता सनअतकारों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की गई। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नाहली, खेलों की सहूलियात का फुकदान। शहर के वक्त में वाकया वाहिर टेनिस कोर्ट भी वैरान हो गया, खिलाड़ियों ने जाना छोड़ दिया। करे कोई भरे कोई, महकमा औकाफ की नाहली पर जायरीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। अलीपुर में प्यासे मुसाफिरों को पानी पिलाने वाली बुजुर्ग शख्सियत के दरबार मुहिब फकीर का कनेक्शन मुनकता। 4 माह से बिजली बंद, निगरान दरबार का कहना है कि औकाफ ने 90,000 रुपए बिल अदा नहीं किया। वापड़ा वालों ने ये कमर्शियल कर दिया है, जबकि मस्जिद दरबार का घरेलू मीटर होता है। इजाफी यूनिट डालकर 62,000 से अब 90,000 तक पहुँच चुका है। डेरा गाजी खान में 50 ब्लॉक के एक रिहायशी मकान में सिलेंडर धमाका, 3 खातिन समेत 7 जख्मी, टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। लठानी पिट और इमरानी गैंग की आज शामत, रोजहान कच्चे में इश्तेहारी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। कच्चे के इलाके में दरिया के किनारे मुकम्मल सील, पुलिस की भारी नफरी भी तायुनात कर दी गयी। मुल्तान की UC-20 आम खास बाग में चेयरमैन यूनियन काउंसिल इमरान अरशद ने टरबान का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 1,25,00,000 की लागत आएगी। इमरान अरशद कहते हैं आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान पतापी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ताहिर खुर्शीद और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान इकबाल मजर महार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डॉट पुल की सफाई, शजरकारी और अवामी खदमत सेंटर को जल्द फाल करने की हिदायत की। मुल्तान में मारूफ ताजर चौधरी मोहम्मद अकरम के साहबजादे की दावत वलीमा, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, रफीक रजवाना और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। अहमदपुर शर्किया प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात, रफीक सफदर सदर और डॉक्टर खादिम हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, हामियों का जश्न, खुशी में जश्न। और बनना संवरना सिंफ नासु की कमजोरी, रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में तरबियती वर्कशॉप, ब्यूटिशियन को हेड स्टार्स और दुल्हन तैयार करने की तरबियत दी गयी।